भवानी मंडी पुलिस ने फिरौती के लिए जयपुर से अगवा किए व्यक्ति को पुलिस ने दस्तियाब किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अगवा कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि भवानी मंडी पुलिस अपने जाब्ते के साथ पचपाड़ में मोहर्रम के चलते गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि डग रोड पर पप्पू पुत्र फत्तू खान के खेत पर 4 से 5 व्यक्ति बैठे हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नजर आ रहे। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, जिस पर ने सलमान उम्र 27 वर्ष पुत्र निसार खान को पकड़कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस व एक धारदार चाकू बरामद किया। इस दौरान पास ही वहीं एक कार खड़ी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसकी पहचान विराट शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी जयपुर के रूप में की गई। घायल युवक ने बताया कि पिछली 9 सितंबर को सलमान, सादिक, साहिल, शाहरुख, अजहर, वसीम आदि ने हथियारों दिखाकर उसका अपहरण कर परिजनों से 50 लाख की फिरौती की मांग की। वहीं रुपयों के लिए पिछले दिनों से 4 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर मारपीट कर प्रताड़ित किया गया। घायल युवक के बयान दर्ज कर उसे भवानी मंडी CSC में भर्ती कराया, जिसके बाद जयपुर तलाश करने पर युवक के अपहरण की रिपोर्ट करनी विहार थाना जयपुर में दर्ज पाई, जिस पर करणी विहार थाना टीम व भवानी मंडी पुलिस टीम द्वारा मामले में जांच की जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए राहुल रावल। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे निवासी कैलाश नायक के कृषि कार्य के दौरान मौत हो गई, जिसको परिजन अजीत अवस्था में चौमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर गंगधार पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार मृतक कैलाश खेत पर गया हुआ था, जो काफी देर से नहीं आया। वहां जाकर देखा तो वहां अजीत अवस्था में मिला, जिसे परिजन चौमला सरकारी अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान कस्बे के पूर्व सरपंच राम सिंह, समाजसेवी दिलीप मौर्य, सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह, देवीलाल मंडा, गोपाल ठेकेदार स्वास्थ्य केंद्र में साथ थे। चुमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचनारा स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते नाराज ग्रामीणों ने तालाबंदी की। आपको बता दें कि गंगधार तहसील के गांव कचनारा के राजकीय विद्यालय में 25 शिक्षकों की पोस्टिंग में केवल 7 शिक्षक ही कार्यरत थे। कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक व्याख्याता नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही। देश की होनहार आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। इस समस्या से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया। सुबह से स्कूल स्टाफ और बच्चे बाहर बैठे रहे। प्रमुख विषयों के व्याख्याता व शिक्षक की कमी के क्षुब्ध ग्रामीण शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर CBEO ने 4 सदस्यीय टीम के प्रतिनिधिमंडल स्कूल भेजी, जिन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर 4 अध्यापकों को डेपुटेशन पर लगाने की बात कही। चुमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। आपको और क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम कविता प्रजापति है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पे टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर और साइंस का कोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। एक दिन के हमारे इस हड़ताल से मतलब पढ़ाई पे कोई वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो पूरी जिंदगी खराब हो रही है। यहाँ पे टीचर्स है ही नहीं, इसलिए आपसे समस्या आ रही। स्कूल में टीचर नहीं है, 4-5 टीचर है और 25 की पोस्ट है, तो यहाँ बच्चे 400-500 बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम धरने में बैठे हैं। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें, वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं, तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।